हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी दो चीज़ों से बहुत अच्छी सी मिठाई बना के तैयार करेंगे। उसके लिए दोस्तों दूध को मैंने उबाल लिया है, और दूध उबालने के बाद क्या करेंगे, एक नींबू का रस लेंगे और उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और धीरे धीरे करके ये नींबू का रस इसमें डालते जाएंगे और ये दूध फटना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार आप छेना बना लीजिए और पनीर भी बन के तैयार हो जाता है, और मतलब पनीर बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बन जाता है इससे। तो धीरे धीरे करके ये सारा रस मैंने इसमें डाल दिया है। और आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप मिठाई बनाएं तो फुल क्रीम वाला दूध लेना है, वो उससे बहुत अच्छा छेना बन के तैयार होता है। तो ये सारा छेना बन चुका है, अब इसको छानेंगे। तो हमने लिया एक बिल्कुल कॉटन का कपड़ा और इसमें डाल लूँगी मैं सारा, ये छेना पलट लेंगे और उसके बाद इसको दो तीन गिलास पानी से, साफ पानी से इसको अच्छे से धोएंगे, जिससे कि नींबू का ये रस का जो खट्टापन था वो दूर हो जाएगा। और एक साइड में हम एक दो गिलास पानी डालेंगे, एक बर्तन में उसमें डालेंगे हल्की चीनी, यानी 1 से 1.5 चम्मच चीनी, और उसको अच्छे से उबलने देंगे। और इसके बाद ये छेना को हम खोल लेंगे 2 मिनट के बाद, और ये देखिए कितना अच्छा सा ही बन के तैयार हो गया है। और अब दोस्तों इसको मसल लेंगे थोड़ा सा, मसलने के बाद थोड़ा सा, और इसके बाद इसके हम गोल गोल से बाउल बना लेंगे, जो गोल गोल से जैसे रसगुल्ले बनाते हैं उस प्रकार हम बना लेंगे। ये देखिए, ये ज़्यादा मसाला नहीं है, और इस तरह से ये सारे रसगुल्ले हम बना के तैयार कर लेंगे और उबलते हुए पानी में इनको हम डाल देंगे। दोस्तों ये कितने छोटे हैं, ये पानी में उबलते ही इतने इनका साइज फूल जाएगा, क्योंकि स्पंज बन के तैयार होंगे। और इसको उबलने के लिए हमने रख दिया, इसको 5 से 7 मिनट के लिए उबलने देंगे। और उसके बाद हम करेंगे दूसरी तैयारी। उसके लिए हम लेंगे एक बर्तन, और उस बर्तन में हम डालेंगे चीनी, क्योंकि हम बनाएंगे चाशनी, और इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। और 1.5 गिलास पानी के बाद चाशनी अच्छे से उबल चुकी है, और ये रसगुल्लों को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए सारे मैंने रसगुल्ले निकाल लूँगी, और इसमें डाल देंगे अब चाशनी, और इस रसगुल्ले को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, और ये रसगुल्ले बनके हो जाएंगे रेडी। और ये बहुत इजी रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है दोस्तों, इस प्रकार कभी भी बना के खा सकते हैं और त्योहारों पे भी बना के खा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताना मुझे। धन्यवाद दोस्तों।